नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने देख रहे हैं कोर डेटा का लेक्चर नंबर 49। अपना जो टॉपिक चल रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हर्ट्ज़मानिया, तो अपने जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर अपने देख रहे थे कि जो हर्ट्ज़मानिया उसका सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा यूँ कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें अपने देखा था कि इसके तीन भाग होते हैं। सबसे पहला था अपना हार्ट, उसके बाद में ब्लड वेसल्स, उसके बाद में अपने बात कर रहे थे इसके ब्लड की। तो ब्लड वेसल्स को अपने देख लिया था, ब्लड वेसल्स के अंदर बताया था इसके अंदर चार प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं, डोर्सल एरोटा, वेंट्रल एरोटा, कार्डियोविसरल वेसल और ब्रैंकियोविसरल वेसल। ये चार प्रकार की क्या वेसल्स इसमें पाई जाती है। अब अपने बात कर रहे थे इसके ब्लड वेसल्स की, तो डोर्सल जो है एरोटा वो डोर्सल पोजीशन पर होती है, वेंट्रल एरोटा वेंट्रल पोजीशन पर होती है, कार्डियोविसरल वेसल जो है वो कार्डियक यानी हार्ट के पस से निकल करके विसरल ऑर्गन तक जाती है, ब्रैंकियोविसरल ऑर्गन जो है वो फेरिंक्स और जो विसरल ऑर्गन है उसमें उनमें जाती है, जो कि डोर्सल एरोटा के जो कह सकते हैं कि पस्ट भाग से निकलती है। इसमें केवल वेंट्रल एरोटा ही ऐसी है जो कि हर्ट से जुड़ी रहती है और शेष जो है वो हर्ट से सीधी कनेक्ट नहीं रहती है। उसके बाद में अपने जो इसका तीसरा टॉपिक था वो था ब्लड, तीसरा टॉपिक जो था वो क्या था इसका, ब्लड। ब्लड की यदि हम बात करें तो ब्लड जो है हर्ट्ज़मानिया के अंदर जो है थोड़ा सा पारदर्शी लाल हल्का सा और पारदर्शी होता है, जो कि मेराइन वाटर जो होता है उस मेराइन वाटर की तुलना में हाइपरटोनिक होता है, अति प्रासरी होता है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ कलरलेस ल्यूकोसाइट्स होती हैं और 6 या 7 प्रकार की केंद्रक युक्त या केंद्रक के बिना कणिकाएं पाई जाती हैं, कलर्ड कार्पल्स होती हैं। उसके अलावा इनके अंदर नेफ्रोसाइट कोशिकाएं भी पाई जाती हैं ब्लड के अंदर। तो इस प्रकार से ब्लड जो है वो एक हल्का रेडिश और पारदर्शी तरल है इसका, जिसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स पाई जाती है। उसके बाद आपको बताया था कि इसके अंदर जो है वेनेडियम नामक जो है एक यूँ कह सकते हैं धातु है वो भी पाया जाता है, और जो कि समुद्र जल के अंदर जो वेनेडियम जो होता है उसको अलग करके बॉडी में ले जाने के लिए ट्यूनिकेट्स के अंदर वेनेडोसाइट सेल्स पाई जाती है, जो कि वेनेडियम को समुद्र जल से ग्रहण करके लेकर के जाती है सेल्स। तो ये इसका क्या है कुल मिलाकर के ब्लड की स्ट्रक्चर है। और ब्लड जो आपको बताया था कि इसका जो ब्लड है वो श्वसन में क्या होता है, सहायक होता है, जो कि पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन और CO2 के यूँ कह सकते हैं कि परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके अंदर जो है रुधिर या ब्लड थोड़ा लाल पारदर्शी होता है, समुद्र जल की तुलना में हाइपरटोनिक होता है। अब हाइपरटोनिक का मतलब आप समझते होंगे कि लवण की जो सांद्रता है वो इस ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है तुलना में समुद्री जल के। उसके अलावा इसके अंदर जो है कुछ अमीबियरंगीन श्वेताणु पाए जाते हैं, कुछ अमीबिय रंगहीन ल्यूकोसाइट्स यानी श्वेताणु यानी वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा 6 या 7 प्रकार की जो यूँ कह सकते हैं केंद्रक रहित और केंद्रक युक्त क्या पाई जाती है, कार्पल्स पाई जाती है। इसके अलावा 6 या 7 प्रकार की केंद्रक युक्त या केंद्रक रहित की बात है, या तो केंद्रक हो सकता है या नहीं हो सकता, रहित कार्पल्स या कणिकाएं
कणिकाएं पाई जाती है, पाई जाती है, कणिकाएं पाई जाती है। इसके वृत्त में वेनेडियम नामक धातु भी पाया जाता है, पाया जाता है, जिसको वेनेडोसाइट सेल्स कोशिकाएं समुद्री जल से पृथक करती है, समुद्री जल से पृथक करती है। कौन सी कोशिकाएं? वेनेडोसाइट्स सेल्स, वो पाई जाती है, वो क्या करती है, इसको पृथक करती है। उसके अलावा जो कि ये वेनेडोसाइट्स हैं, इनका कुछ वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि ऑक्सीजन परिवहन में थोड़ा बहुत योगदान है, कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इसका वेनेडो जो साइट है या वेनेडियम जो सेल्स है, वेनेडियम जो धातु है, इसका कार्य अज्ञात है। इन दोनों ही बात है कि ये वैसे तो आपको ध्यान रखना है कि वेनेडियम जो कौन से जंतु में पाया जाता है, तो ट्यूनिकेट्स में पाया जाता है, और कुछ जो वैज्ञानिक है वो मानते हैं कि वेनेडियम है वो ऑक्सीजन का प्रयोग करने में सहायक, और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका कार्य क्या है, अज्ञात है। तो ये सारी विशेषताएं इसका किसकी विशेषताएं हैं, हार्डमानिया के ब्लड की होती है। हालांकि कुछ ट्यूनिकेट्स होते हैं उनके अंदर ऐसा भी होता है कि वो वेनेडियम का निष्कर्षण करने वाली जो वेनेडोसाइट सेल्स हैं वो भी नहीं पाई जाती, कुछ किसके अंदर अपने इसमें ट्यूनिकेट्स के अंदर यदि हम बात करें तो उनके अंदर कुछ के अंदर ये नहीं पाई जाती है, परंतु मैक्सिमम जो ट्यूनिकेट्स हैं उनके अंदर ये वेनेडोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। अब यदि हम बात करें थर्डमानिया के सर्कुलेशन की, ब्लड के सर्कुलेशन की यदि हम बात करें, तो जो सर्कुलेशन के लिए कोई निश्चित पथ नहीं होता, जैसा कि अब अपने डायग्राम से देखेंगे, इसको आरेखीय डायग्राम से देखने का प्रयास करेंगे कि इसके अंदर क्या होता है कि सर्कुलेशन के लिए कोई कपाट नहीं होता है, कर्माकुंचन गतियाँ होती है ब्लड वेसल्स और हर्ट के अंदर, और साथ जो हर्ट जो होता है उसके अंदर एक नाशपति के आकार का अंग पाया जाता है जो कि कर्माकुंचन को बनाए रखता है, या कह सकते हैं कि ब्लड के सर्कुलेशन को बनाए रखता है, परंतु निश्चित नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स कई बार धमनी का काम करती है, वो शिरा का काम, यानी इसका यूँ कह सकते हैं कि जो धमनी का काम कर रही है वो शिरा का काम करने लग जाती है, जो शिरा का काम कर रही है वो धमनी का काम करती है, जो आर्टरी है वो वेन भी काम में ली जा सकती है, जो वेन है वो आर्टरी के रूप में भी चेंज हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन किस ओर हो रहा है। तो ब्लड का सर्कुलेशन ये समय समय पर चेंज करता रहता है, जिसको अपने अभी आरेख से देखेंगे। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की यदि हम बात करें, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की बात करें तो इसमें रक्त का प्रवाह निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, अर्थात रक्त प्रवाह की दिशा बदलती रहती है, ती रहती है। इसमें धमनी सिरा की तरह व सिरा धमनी की तरह कार्य करने लगती है। इसके परिसंचरण तंत्र में किसी प्रकार की कपाट नहीं पाए जाते हैं, कपाट नहीं पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं। कपाट नहीं पाए जाते हैं बल्कि रक्त वाहिनियों में हृदय में क्रमाकुंचन होता रहता है तथा हृदय में पाई जाने वाली नाशपति आकार की संरचना रक्त प्रवाह को बनाए रखने में सहायक है तो ये इसका क्या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर, जैसे अभी अपने जो आय के डायग्राम बनाएंगे उस डायग्राम से अपने को स्थिति और क्लियर हो जाए, तो उसके अंदर अपने देखेंगे कि जो तीर के निशान है या जो एरो है वो अपने दोनों तरफ यानी कि उसको रिवर्सिबल भी अपने शो करेंगे, तो उसका मतलब ये है कि रक्त का प्रवाह जो आवश्यकता पड़ने पर धमनी में सिरा से और सिरा से धमनी में वापस होने लगता है, यानी धमनी सिरा की तरह बिहेव करने लगती है और जो सिरा है वो किसकी तरह बिहेव करने लगती है, धमनी की तरह बिहेव करने लगती है। तो रक्त का प्रवाह की दिशा कोई निश्चित नहीं है, जैसे इसको आवश्यकता लगती है अपने फिजियोलॉजी के हिसाब से उसके हिसाब से चेंज करता रहता है। और कपाट नहीं पाए जाते बल्कि रक्त वाहिनियों के अंदर क्रमाकुंचन होता है, और जो हृदय है उस हृदय के अंदर एक नाशपति के आकार की संरचना पाई जाती है जो बार बार रक्त के फ्लक्चुएशन के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। अब यदि इसके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को अपने देखें जो डायग्राम है क्रिटिकली, तो अपने इसको देखते हैं। वेंट्रल होता है यहाँ फिर हार्ट आएगा, विसरल ऑर्गन्स
अब देखिएगा स्टूडेंट कि इसके हम दो पोजीशन देख रहे हैं कि हर्ट जो है पहले वेंट्रो डोर्सली धड़कता है और दूसरा कौन सा डोर्सो वेंट्रली धड़कता है। क्योंकि अपने अपने अगर बात करें इसकी तो इसमें अपने देखें कि डायग्राम जो बनाया था अपने मैन डायग्राम जो बनाया था उसके अंदर आपको बताया था कि इसका एंटीरियर एंड ये होता है जिधर कौन होता है ब्रैंकियल साइफन, ये एट्रियल साइफन होता है, ये कौन सा सिरा होता है इसका डोर्सल, डोर्सल के ये कौन सा होता है वेंट्रल और ये कौन सा होता है इसका पोस्टीरियर सिरा, ये अपने इस तरह से इसकी बात की थी। तो इसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है दो प्रकार से होता है, एक तो वेंट्रल से डोर्सल की ओर और दूसरा डोर्सल से वेंट्रल की ओर। जब वेंट्रल से डोर्सल की ओर होता है डोर्सल से वेंट्रल की ओर होता है तो उसमें क्या होता है कि रक्त वाहिनियाँ अपना कार्य चेंज कर लेती है या ब्लड वेसल्स अपना कार्य क्या करती है चेंज कर लेती है। अब देखिएगा सबसे पहले अगर अपने बात करें कि यदि रक्त जो है किधर से किधर की ओर धड़के वेंट्रल डोर्सल यानी इस साइड में अगर अपना रक्त का फ्लो रखे इस तरह से, ठीक है, तो इसमें यदि हम बात करें पहली पोजिशन के अंदर तो सबसे पहले क्या होगा। अब आपको बताया था कि वेंट्रल एरोटा जो होता है, वेंट्रल एरोटा जो है वो हर्ट से जुड़ी होती है आपको बताया था, और एक कौन सी जुड़ी होती है कार्डियोवैस्कुलर वेसल, ये दोनों क्या है हर्ट से जुड़ी होती है। ये वेंट्रल एरोटा जो होती है ये आपको बताया था हर्ट से अधर सतह पर पाई जाती है वेंट्रल पोजीशन पर पाई जाती है और उसके बाद में निकलने के बाद में तीन शाखाओं में बढ़ जाती है वेंट्रल टेस्ट वेसल के अंदर एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल और पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल, अगर आपको थोड़ा मैंने डायग्राम से भी समझाया था तो तीन ब्रांचेज में बढ़ जाती है। अब उसके अंदर जो कार्डियोवैस्कुलर वेसल है ये भी आपको बताया था कि हर्ट के पृष्ठ सतह से क्या है निकलती है, तो इसका मतलब हर्ट जो है वो इन दोनों से क्या है जुड़ा हुआ रहता है। मेन ब्रांच हर्ट की कौन सी है वेंट्रल एरोटा होती है, ये एक छोटी ब्रांच होती है। अब देखिएगा इसमें क्या होता है कि यदि हम बात करें कि वेंट्रो डोर्सली अगर धड़क रहा है या यूँ कहते हैं कि रक्त का प्रभाव वेंट्रो डोर्सली वेंट्रल से डोर्सल की ओर है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर जो मुख्य भूमिका है वो किसकी बढ़ जाती है वेंट्रल एरोटा की मुख्य भूमिका बढ़ जाती है। इसमें क्या होगा सबसे पहले टेस्ट या चोल जो हम कहते हैं वहाँ से और साथ में ब्रैंकियल वेसल, अब ब्रैंकियल वेसल आपको ध्यान रखना चाहिए कहाँ पाई जाती है फेरिंक्स की दीवार के अंदर पाई जाती है, इसमें पाई जाती है फेरिंक्स की दीवार में पाई जाती है, तो वहाँ से शुद्ध रक्त और टेस्ट, क्योंकि टेस्ट के अंदर भी आपको बताया था कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो एम्पोली के रूप में ऊपरी सिरे तक फैली हुई रहती है, तो इसका मतलब मैंने वहाँ टेस्ट जब पढ़ाया था आपको एक बात बताई थी कि टेस्ट जो है वो गैसों के एक्सचेंज में योगदान रखता है, यानी गैसों का एक्सचेंज एक तो ब्रैंकियल वेसल के द्वारा होता है, कैसे होता है ये समझाया था, क्योंकि जो फेरिंक्स की दीवार होती है उसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल और साथ में बीच में क्या होते हैं स्टिग्मेटा होते हैं, तो स्टिग्मेटा से जब जल बाहर निकलता है एट्रियल कैविटी की ओर आता है तो उस समय गैसियस एक्सचेंज होता है, तो वहाँ कौन करती है ब्रैंकियल वेसल करती है और साथ में टेस्ट या चोल के ऊपरी सतह पर ब्लड वेसल्स एम्पुली के रूप में पाई जाती है, तो टेस्ट या चोल भी क्या करता है गैसियस एक्सचेंज करता है, तो वहाँ दोनों जगह हम माने कि रक्त शुद्ध हो गया यानी ऑक्सीजनेटेड हो गया होने के बाद में कहाँ आता है वेंट्रल एरोटा में, वेंट्रल एरोटा में आने के बाद में रक्त कहाँ भेजा जाता है हर्ट में, हर्ट से फिर जो रक्त है वो कहाँ जाता है कार्डियोवैस्कुलर वेसल्स के अंदर। कार्डियोवैस्कुलर वेसल जो होती है इसके लिए आपको बताया था कि कार्डियोवैस्कुलर वेसल जो है इससे तीन ब्रांचें निकलती हैं मेन डोर्सल ब्रांच मेन मिड ब्रांच और मेन वेंट्रल ब्रांच, तीनों ब्रांच निकलती हैं, वो तीनों ब्रांचेज जो हैं आपको बताया था कि कार्डियोवैस्कुलर वेसल की जो मेन मिड ब्रांच होती है वो मेन डोर्सल ब्रांच जो होती है वो ओएसोफेगस में राइट जो गोनाड्स हैं वहाँ पर क्या रक्त को लेकर के जाती है, तो उसके अलावा ये साथ में सब टेंटेकुलर वेसल्स के रूप में और साइफनल वेसल्स के रूप में जाती है, यानी कि ये जो है राइट साइड के ओसोफेगस राइट साइड के गोनाड्स और साथ में जो है सब टेंटेकुलर एरिया है वहाँ पर और जो साइफन वाला एरिया है वहाँ पर कौन सी ब्रांच जाती है इसकी मेन डोर्सल ब्रांच, मेन मिड जो ब्रांच होती है वो क्या है लेफ्ट साइड का जो गोनाड्स हैं वहाँ पर क्या ये जाती है, और जो तीसरी शाखा का है मेन वेंट्रल ब्रांच वो क्या करती है कि ये जो डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स होती हैं यानी कि ये अपने लीवर के अंदर स्टमक में अंदर और इंटेस्टाइन
तीनों जगह क्या ये जाती है, कौन? कार्डियोविस्ट्रल वेसल। तो कार्डियोविस्ट्रल वेसल कहने का मतलब ये तीन ब्रांचेज में बंट गई, मेन डोर्सल ब्रांच, मेन मिड ब्रांच और मेन वेंट्रल ब्रांच, और वो सारी की सारी ब्रांचेज है तो जितने भी आंतरांग हैं वहाँ पर जाती है, इसलिए कहा लिखा है हमने विस्ट्रल ऑर्गन एंड टेस्ट। तो जो रक्त हर्ट में आया वो शुद्ध रक्त कहाँ चला गया? कार्डियोविस्ट्रल वेसल में, और कार्डियोविस्ट्रल वेसल की तीनों ब्रांचेज जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर चली जाएगी। अब वहाँ पर जब जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर जो जितना भी शुद्ध रक्त है वो इन सभी ऑर्गन्स में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में क्या होता है कि जो रक्त है इन आंतरांगों में प्रवाहित होता है, तो होने के बाद में क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। और अशुद्ध जैसे ही होता है तो उसके बाद में वहाँ से क्या होता है, ब्रैंकियोविस्ट्रल वेसल्स क्या करती है, उनको इकट्ठा करती है उस रक्त को, क्या कौन से रक्त को, अशुद्ध रक्त, और करने के बाद में कहाँ भेजती है उसको, डोर्सल एरोटा में भेजती है। अब डोर्सल एरोटा आपको बताया था कि उसकी 5 या 6 ब्रांचेज जो है वो फेरिंग्स की दीवार के अंदर फैली हुई होती है, और वो कहाँ भेजती है उसको, ब्रैंकियल वेसल्स में भेजती है। ब्रैंकियल वेसल्स के अंदर रक्त वापस शुद्ध हो जाता है शुद्ध होने के बाद में, और कुछ मात्रा में कहाँ भेजती है, टेस्ट के अंदर भी भेज देती है। तो शुद्ध होने के बाद में रक्त वापस देखिएगा कहाँ आएगा, वेंट्रल एरोटा में, वेंट्रल एरोटा से फिर हर्ट में, हर्ट से कार्डियोविस्ट्रल वेसल में, कार्डियोविस्ट्रल वेसल क्या करती है उसको जितने भी विसरल ऑर्गन और टेस्ट है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। करने के बाद में वहाँ से अशुद्ध रक्त हो जाएगा, और अशुद्ध रक्त को ब्रैंकियोविस्ट्रल वेसल लेकर जाती है, और ब्रैंकियोविस्ट्रल वेसल कहाँ छोड़ देती है उसको, डोर्सल एरोटा में, और डोर्सल एरोटा वापस कहाँ ले जाता है उसको, ब्रैंकियल वेसल्स के अंदर। मैंने बताया था 5 या 6 जोड़ी ब्रैंकियल वेसल्स निकलती है डोर्सल एरोटा से, तो ये वापस शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने के बाद में वापस, एक तो इसका रूट ये रहता है। अब दूसरा रूट क्या रहता है कि अगर हर्ट या रक्त का प्रवाह कैसा हो डोर्सो वेंट्रली, या यूँ कहते हैं कि हर्ट जो है वो रक्त को डोर्सो वेंट्रली अगर प्रवाहित करे, तो डोर्सो वेंट्रली के अंदर रक्त का प्रवाह ये रहेगा डोर्सल से वेंट्रल की ओर। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो काम अब ये सारी वेसल्स कर रही थी, कोई शुद्ध रक्त को ले जा रही थी, कोई अशुद्ध रक्त को ले जा रही थी, उनके जो काम है वो चेंज हो जाते हैं। अब चेंज कैसे होंगे देखिएगा, सबसे पहले यदि हम बात करें कि किस प्रकार से होता है, तो डोर्सो वेंट्रली जब फ्लो होता है रक्त का, तो उस समय क्या होता है कि वेंट्रल एरोटा के अंदर क्या होता है कि सारा का सारा रक्त, यूँ अपने कह दें कि डोर्सल एरोटा क्या करती है, शुद्ध रक्त इकट्ठा करेगी, कहाँ से इकट्ठा करेगी, ब्रैंकियल वेसल के अंदर। यानी अब जो ब्रैंकियल वेसल अशुद्ध रक्त को ले जा रही थी, अब वो कैसे रक्त को लेकर आने लग जाती है, शुद्ध रक्त को, वही ब्रैंकियल वेसल्स 5 या 6 जोड़ी होती हैं, जो कि आपको ध्यान होना चाहिए वेंट्रल एरोटा से भी क्या होती हैं, जुड़ी होती है, आपको मैंने बताया था। तो शुद्ध रक्त कहाँ आएगा, डोर्सल एरोटा में आएगा, डोर्सल एरोटा उनको कहाँ छोड़ देता है, ब्रैंकियोविस्ट्रल वेसल के अंदर, क्योंकि मैंने बताया था कि ब्रैंकियोविस्ट्रल जो वेसल होती है वो डोर्सल एरोटा के पश्च सिरे से निकलती हैं, और निकलने के बाद में जो ब्रैंकियल वेसल है ये 2 भागों में बंट जाती है, राइट ओइसोफेगल वेसल और वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल के अंदर। यानी ये 2 भागों में बंट गई, कौन कौन सी, राइट ओइसोफेगल वेसल और वेंट्रल इंटेस्टाइनल वेसल, 2 भागों में बंट गई। अब वो दोनों ब्रांचेज क्या करती हैं, जितने भी आंतरांग हैं वहाँ पर क्या रक्त का शुद्ध रक्त को प्रवाहित कर देती है। तो विसल ऑर्गन टेस्ट में चला गया रक्त, जाने के बाद में अब रक्त क्या होगा, कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। उस अशुद्ध रक्त को कौन इकट्ठा करेगी, अब कार्डियोविस्ट्रल वेसल इकट्ठा करेगी। कार्डियोविस्ट्रल वेसल जो है जिसकी 3 ब्रांचेज थी, मैंने बताया था आपको कौन कौन सी, मेन डोर्सल ब्रांच, मेन मिड ब्रांच और मेन वेंट्रल ब्रांच, तीनों ब्रांचेज क्या करती है, अब अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करेगी। करने के बाद में कहाँ भेज देती है उसको, क्योंकि कार्डियोविस्ट्रल वेसल किससे निकलती है, हर्ट से निकलती है, हर्ट में आ गया, हर्ट में आने के बाद में वो रक्त कहाँ चला जाता है, वेंट्रल एरोटा में, क्योंकि हर्ट की मेन ब्रांच कौन सी है, वेंट्रल एरोटा, और ये छोटी ब्रांच होती है, मेन ब्रांच है वेंट्रल एरोटा। अब वेंट्रल एरोटा में आने के बाद में आपको बताया था कि वेंट्रल एरोटा उस रक्त को कहाँ भेजती है, क्योंकि वेंट्रल एरोटा से 3 शाखाएं निकलती है, एक टेस्ट में जाती है, एक एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल और एक पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल है। तो तीनों ब्रांचेज के अंदर रक्त चला गया, कैसा, अशुद्ध रक्त। अब अशुद्ध रक्त चला तो गया तीनों ब्रांचेज के अंदर, और एक टेस्ट में चली जाती है तो चोल के अंदर भेज देती है रक्त को। उसके बाद में जो 2 ब्रांचेज हैं उनसे क्या निकलती हैं, ब्रैंकियल वेसल्स निकलती हैं, जो कि फेरिंग्स की दीवार में जाती है, जो 40 से 50 जोड़ी होती है, आपको बताया था। तो वो वापस शुद्ध अशुद्ध रक्त को कहाँ भेज देती है, ब्रैंकियल वेसल में, और ब्रैंकियल वेसल में जब रक्त प्रवाहित हो जाता है तो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने के बाद में उसको कौन इकट्ठा कर रहा है, डोर्सल एरोटा कर रहा है, डोर्सल एरोटा फिर उस रक्त को कहाँ लेके जा रहा है, ब्रैंकियल विसरल वेसल में, और ब्रैंकियल विसरल वेसल की जो 2 शाखाएं हैं वो आंतरांगों में ले जा रही है उसको, और आंतरांगों में जब रक्त जाएगा तो शुद्ध जा रहा है, उसके बाद में जब घूमेगा तो अशुद्ध हो जाएगा। उसको इकट्ठा कौन करेगी, कार्डियोविस्ट्रल वेसल, फिर हर्ट में आएगा, हर्ट से वेंट्रल एरोटा में, और कहाँ जाता है वो, टेस्ट में, और ब्रैंकियल वेसल के अंदर जाएगा, फिर शुद्ध होगा। तो इस प्रकार अपने देख रहे हैं कि दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, कि दोनों ही कंडीशन में रक्त का प्रवाह चेंज हो रहा है साथ में, और साथ में क्या हो रहा है कि जो काम आर्टरीज कर रही थी
वो काम थोड़ी देर में वो चेंज होकर के वो वेंस के रूप में चेंज हो जाती है, यानी जो धमनी की तरह बिहेव कर रही थी वो शिरा की तरह बिहेव करने लग जाती है। आपने देख लिया होगा ये बात कि रक्त का प्रवाह इस तरह से भी हो रहा है और वापस भी हो रहा है। यूँ हो रहा है तो ये अशुद्ध रक्त को इकट्ठा कर रही थी, और यूँ हो रहा है तो ये शुद्ध रक्त को इकट्ठा कर रही थी, और ये किसको करने लग जाती है, अशुद्ध रक्त को इकट्ठा। यानी वेंट्रल एरोटा जो है वो धमनी की तरह भी काम कर रही है और शिरा की तरह भी काम कर रही है। डोर्सल एरोटा भी धमनी की तरह काम कर रही है और शिरा की तरह भी काम कर रही है। ब्रैंकियो विसरल वेसल धमनी की तरह भी काम कर रही है, शिरा की तरह भी काम कर रही है। कार्डियो विसरल वेसल जो है धमनी की तरह भी काम कर रहे हैं और शिरा की तरह भी काम कर रहे हैं। अब देखिएगा हार्ट के अंदर कपाट रह पाए जाने का कारण ये है, क्योंकि रक्त हार्ट जो है एक बार शुद्ध रक्त को इकट्ठा कर रहा है, एक बार अशुद्ध को इकट्ठा कर रहा है, यानी एक बार तो इधर की ओर रक्त लेके आ रहा है, एक बार इधर से इधर की ओर रक्त लेके जा रहा है, इसलिए इसके अंदर कपाट नहीं पाया जाता। क्योंकि कपाट अगर होते तो रक्त का प्रवाह एक निश्चित दिशा में ही होता, तो इसलिए ये कपाट विहीन संरचना होती है। तो इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि जब रक्त का प्रवाह वेंट्रल एरोटा से डोर्सल एरोटा की ओर हो रहा है तो उस समय वेंट्रल एरोटा हार्ट कार्डियोवेस्कुलर वेसल आर्टरी की तरह काम कर रही है, और जब रक्त का प्रवाह डोर्सल से वेंट्रल की ओर हो रहा है तो कार्डियोवेस्कुलर वेसल हार्ट और वेंट्रल एरोटा शिरा की तरह काम कर रही है। और वैसा यहाँ पर हो रहा है कि जब रक्त का प्रवाह वेंट्रल से डोर्सल की ओर हो रहा है, जब रक्त का प्रवाह वेंट्रल से डोर्सल की ओर हो रहा है तो ब्रैंकियो विसरल वेसल और डोर्सल एरोटा शिरा की तरह काम कर रही हैं, और जब रक्त का प्रवाह डोर्सल से वेंट्रल पोजीशन की ओर हो रहा है तो तब ये किसकी तरह काम करने लग जाती है, धमनी की तरह काम करने लग जाती है। और ब्रैंकियल वेसल जो कि ब्लड फेरिंक्स की दीवार में पाई जाती है, जो कि रक्त को शुद्ध अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। इसी कारण हम तीर के जो निशान लगाए हैं दम दोनों तरफ लगाए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो रक्त का प्रवाह वह अशुद्ध पड़ने पर वेंट्रो डोर्सली और डोर्सो वेंट्रली दोनों कंडीशन के अंदर हो सकता है। तो ये अपना सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म होता है आज। थैंक यू।